यात्रीगण कृपया ध्यान दें, लगभग 1.5 महीने बाद ये अनाउंसमेंट आज कानपुर सेंट्रल पर सुनाई देगा, जब दिल्ली से चलकर डिब्रूगढ़ को जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस कानपुर पहुंचेगी। रात 9:30 के बाद ट्रेन कानपुर पहुंचेगी, जिसको लेकर रेलवे प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। 1.5 महीने बाद रेलवे आज से ट्रेनों का संचालन कर रहा है, जिसके चलते कानपुर में 6 ट्रेनों का स्टॉपेज होगा, जिसके लिए ऑनलाइन टिकट बुक हो रही है। आ जाने वाली दिल्ली डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के आने से पहले तैयारी पूरी कर ली गई। ट्रेन से उतरने और ट्रेन में चढ़ने वाले सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही एंट्री कर सकेंगे। स्क्रीनिंग के बाद जिनके पास कंफर्म टिकट होगा उन्हीं को अंदर जाने दिया जाएगा। मास्क होना अनिवार्य है और मास्क और सैनिटाइजर ना होने पर यहां पर मुहैया करवाया जाएगा। यही नहीं, ट्रेन के आने से 1.5 घंटे पहले सफर करने वाले यात्रियों को यहां पर आना होगा और सारी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखिए, लॉकडाउन के पहले ट्रेन में बैठना और स्टेशन में एंट्री करना अलग था, और लॉकडाउन के बाद एक अलग तरीके से COVID-19 के सभी प्रोटोकॉल और रेलवे बोर्ड और NCR हेडक्वार्टर के समस्त निर्देशों का पालन करते हुए आज यहाँ पे हम ट्रेन में एंट्री शुरू कराएंगे। इसमें खाली स्टेशन के एक तरफ से ही अर्थात कैंट साइड से ही एंट्री होगी, और उसमें भी खाली एक गेट से एंट्री होगी। एंट्री पर ही सबके कंफर्म टिकट चेक किए जाएंगे, जिनके पास कंफर्म टिकट होगा खाली वही लोग स्टेशन प्रेमिसेस में एंट्री करेंगे। इसके बाद थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, मास्क और सैनिटाइजर चेक किए जाएंगे, जिनके पास मास्क नहीं होगा उनको हम मास्क उपलब्ध कराएंगे और सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा मोबाइल में सबके आरोग्य सेतु ऐप देखेंगे, क्योंकि आरोग्य सेतु ऐप मैंडेटरी है रेल में यात्रा करने के लिए, ताकि यात्री स्वयं सुरक्षित रहे और उसके साथ यात्रा करने वाले लोग भी सुरक्षित रहें। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के सर्कल्स बने हुए हैं 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर, उन्हीं को फॉलो करते हुए सभी यात्री अपने ट्रेन की तरफ आगमन करें। जगह जगह हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज और टिकट चेकिंग स्टाफ लगा हुआ है, जो यात्रियों की को गाइड और उनकी मदद करेगा। अभी जी हाँ, कानपुर से लोग चढ़ेंगे भी, लोग उतरेंगे भी। अभी हम उसके पूरे डेटा के एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद ही हम कंफर्म बता पाएंगे कि कितने लोग कानपुर से बोर्ड करेंगे और कितने लोग डीबोर्ड करेंगे। साथ ही यह बताना चाहूँगा कि 6 पेयर ट्रेन्स कानपुर में रुकेंगी। दिल्ली से ईस्टर्न साइड के लिए जो भी ट्रेन जा रही हैं सारी कानपुर रुकेंगी। मास्क हम देंगे और सैनिटाइजर भी देंगे जिन्हें आवश्यकता होगी, तो अलग से सैनिटाइजर के लिए काउंटर नहीं, जहां एंट्री होगी वहीं पर हमारे टिकट चेकिंग स्टाफ मास्क और सैनिटाइजर प्रोवाइड कराएंगे। हमारे रेलवे की इंटरनल टीम होगी, साथ में जिला प्रशासन के साथ सहयोग के साथ हम काम कर रहे हैं, उनकी भी एक टीम रहेगी। यदि कि कोई सस्पेक्ट मिलता है तो उनको जिला प्रशासन की जो मेडिकल टीम है उसको हैंडओवर किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने हमसे सूची मांगी है, हमने IRCTC के माध्यम से जो टिकट बुक हैं उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जो जिनके टिकट बुक हैं उन यात्रियों के मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराएं। जिला प्रशासन के लोग उनसे मोबाइल पर बात करके उनके लिए कैब वगैरह या जैसे भी जाने का व्यवस्था होगी वो अरेंज करवाएंगे।